नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप लोग इनका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एक महिला है, किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, चाहे आपके साथ चाहे हमारे साथ, भगवान न करे के परिवार के साथ इतना बड़ा दुखद घड़ी आए। इनके जो पति थे वो फोर्स में अर्धसैनिक बल में कार्यरत थे और ड्यूटी में जाना जब ऑन ड्यूटी माना जा सकता है, तो वहाँ कार्य करते हुए वॉलीबॉल का प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में उनका कुछ दिन बाद देहांत हो गया, लेकिन वहाँ के जो आला अधिकारी थे उनको ऑन ड्यूटी होने से मान्य नहीं किया, न कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे कि उनके जो बैंक से अर्धसैनिक फोर्सों के लिए जो नया रूल लागू किया गया वो भी मिल सके और जो LIC की बीमाएं थी उनकी वो भी उनको प्राप्त हो पाए। ना भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार का मदद किया गया, सुविधाएं दी जाएं। जब हमारे देश के नेता कोई कार्य नहीं करते हैं उसके बावजूद उनके लिए पेंशन योजनाएं हैं, तो इस बलकर्मी को पेंशन योजना क्यों नहीं, क्यों वंचित रखा गया? इनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 5 साल का बेटा है। आप स्वयं इनकी कथा सुनिए, दुख भरी, और इसको प्रधानमंत्री और उच्च से उच्च लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि इनको सही मुकाम मिल सके और इनको पूरा हक मिल सके। तो दोस्त, इनकी बातों को ऊँचे स्तर तक पहुंचाने का कोशिश करिए। मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मैं कुमारी चंचला, पत्नी स्वर्गीय अमित कुमार झा, जो CRPF में 129 बटालियन में 2016 सितंबर तक ड्यूटी किया, उनकी पत्नी हूँ। वो अब नहीं है, वो रेडियो ऑपरेटर थे CRPF में। भारत सरकार, राज्य सरकारें, सरकार विभाग, मानवाधिकार संगठन, महिला संगठन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, शहीद एवं दिव्यांगजनों के परिवारों के कल्याण के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मेरे पति हवलदार रेडियो ऑपरेटर अमित कुमार झा 129 बटालियन में दिनांक 21/7/2016 को पटगांव कोकराझार में वॉलीबॉल खेलते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी और उस दिन से वो बीमार रहे। CRPF ने उन्हें GNRC हॉस्पिटल दिसपुर ले गई। 45 दिन तक तो उन्होंने जिंदगी और मौत से लड़ा, लेकिन बदकिस्मती मेरी और मेरे बच्चों की यह रही, वो हम सबको छोड़ के चले गए। 129 के कमांडेंट सर ने मेरे पति के शव को पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस घटना को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताई गई तथा उनकी मृत्यु को ऑन ड्यूटी नहीं माना गया। मैंने इसके संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महानिदेशक, CRPF बल सभी को प्रार्थना पत्र दिए। अभी तक बहुत पत्र लिखा मैंने, लेकिन किसी ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस S. मुरलीधर और जस्टिस IS मेहता की बेंच ने CRPF बल के स्वर्गीय SI राकेश कुमार, जिनकी मृत्यु 2015 में घर से ड्यूटी जाते हुए रास्ते में हो गई थी, उनको भी ऑन ड्यूटी बताया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसका मात्र 5 साल उम्र है और मैं भागलपुर में रेंट पे 4 बच्चों को लेकर के रहती हूँ। मुझे मामूली सा पेंशन दिया जा रहा है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं, इसी में पढ़ाई, कपड़ा, तबीयत बिगड़ जाए तो शादी ब्याह, कितना खर्चा होता है एक आम परिवार में, हो तो आप सबको पता ही है। मैं उसी पेंशन में कर रही हूँ सारा काम। कहने का मतलब यह है कि
मेरे पति को ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाने के कारण मुझे एक्स ग्रेसिया जो सरकार के तरफ से 10 लाख मिलता है वो नहीं मिला, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराए। इसके वजह से मुझे 5 लाख रुपया SBI बैंक से PMSP मिलना था, इलाहाबाद बैंक से जो मैं इंश्योरेंस करवाई थी 2 लाख रुपया वो मिलना था, नहीं मिला। और भी ऑन ड्यूटी दिखाते तो कुछ और भी मेरे लिए फायदा होता, मेरे बच्चे को जीने का सहारा मिल जाता, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। मेरे पति ने 22 साल तक CRPF में ड्यूटी किया, लेकिन जब मैं CRPF के अफसरों से उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी किस्मत और आप जानो। इतने दिनों से मैं सबसे गुहार लगाती रही पर कोई फायदा नहीं मिला। अंत में मुझे लगा कि सोशल मीडिया सबका मदद करती है तो शायद मेरा भी मदद कर दे। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उच्च पदों पर आसीन होंगे, वकील होंगे या NGO में होंगे, जो मेरी बात ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकेंगे जहां मुझे उचित न्याय मिल सके। कमांडेंट साहब 129 बटालियन की एक छोटी सी संवेदनहीनता के से मुझे 2016 में निम्न वित्तीय नुकसान हुआ। केंद्रीय सरकार से मिलने वाली एक्स ग्रेसिया का फंड, PMSV से मिलने वाली इंश्योरेंस का फंड, और भी जो भी मैंने कराया था वो सब सारी चीज मुझे नुकसान हो गया। और जो जिन्होंने अपने देश के लिए 22 साल तक सेवा दिया, उनकी शहीद वो शहीद तो नहीं हुए मैं मानती हूँ, लेकिन ऑन ड्यूटी तो थे, उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, जिस वजह से मुझे बहुत पैसा का नुकसान हुआ। मैं अपनी नौकरी के लिए भी बहुत प्रयास किया आज तक, लेकिन इन लोगों ने कुछ ना कुछ कमी बता करके आज तक मुझे नौकरी नहीं दिया। मैं आर्थिक रूप से बहुत तंगी हूँ, और तो और अभी कोरोना के वजह से जो सरकार ने पेंशनधारियों का पैसा भी काटा है और मेरा भी काटा है उसी में से। अब बताइए, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि किसकी पेंशन किस हालत में कैसे खर्चा होती है, उनके घर की क्या हालात है। उन्होंने तो ऊपर से ही अपना पैसा मेरा पैसा निकाल दिया, अब मेरे पास जितना है उसी में से गुजर करना हो रहा है। आप लोग मेरे दर्द को समझिए, आपको नहीं पता यह वीडियो में कितना हिम्मत जुटाने के बाद बनाई हूँ। मुझे बहुत रोना होता है, कलेजा फटता है जब अपनी पति का मृत्यु के बारे में लिखती हूँ या बोलती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे साथ मेरे लेटर पढ़ने वाला या लिखने वाला कोई नहीं है। बच्चे सब अभी नादान हैं, छोटे, इनकी भविष्य के लिए मुझे ही एक कलेजा पर पत्थर रख कर सब करना पड़ता है। इनके जीवन को याद करने के बजाय मैं उनकी मृत्यु को बार बार बोलती हूँ, ये तो मेरी बदकिस्मत। ना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार और सरकारों में उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, जो भी अफसर लोग, उनके बहरे कानों तक ये मेरी बातें पहुंचे, वो मुझे मेरे हक का पैसा मुझे दे। मेरे पास उनका इतना पैसा नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथवा इधर उधर जाऊं। आज तक तो मैं बहुत भटकी, बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला मुझे। इसलिए दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उतना उस जगह पे पहुँचा दें कि मेरे हक की लड़ाई मुझे मिल जाए। और मेरे जैसे बहुत सारे बहना हैं जिनको नहीं मैं बोल नहीं पाऊँगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।